लिखा है वो कोई दे नहीं सकता, क्यों अच्छा है ना। जो भाग्य में लिखा है वो कोई ले नहीं सकता, जो भाग्य में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। क्या चीज दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा? हो जाएगा तो हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे कल कहां तक पढ़े थे हम लोग, कहां तक? अच्छा पूरा पढ़ लिए थे कल, बचा था। यहाँ पे क्या टाइप करूं तो खुलेगा एमएस वर्ड? क्या बात है, तुम लोग का याददाश्त तो इतना तगड़ा है, हम क्या बताएं। ठीक है खुल गया, कहां तक पढ़े थे जरा बताना। मालूम ये पूरा कंप्लीट था, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है नहीं है, दिक्कत है नहीं है क्या? कौन सा फिर से बताऊं, कोई एक ठो मेन्यू या सारा? प्रिंट का बताइए। सिर्फ प्रिंट का, इसमें आना है जी, क्लिक कर देना प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। प्रिंट पेज ये जहाँ पे कर्सर रहेगा ना, जो डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड होगा जहाँ पे कर्सर रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ है, ठीक है, मैं दो तीन पन्ना बना लिया, अब मेरा कर्सर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो पेज नंबर दूसरे पे मेरा कर्सर चला गया। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा ना आके, और करंट पेज पे क्लिक करूंगा, तो जिस पे कर्सर है मेरा वो पन्ना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड है, चाहो तो देख सकते हो दोबारा, आज अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक, और कोई दिक्कत किसी को नहीं है? दिक्कत नहीं है तो अपने से बना लो, बैठिए बताइए। वेट, कहाँ पे था मैं? तो ये कंप्लीट है ना। अच्छा एक चीज सोचा कल बता दूं, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर में बताऊंगा, फिर भूल गया मैं, ठीक है। ये जितने कमांड्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, सबको आप कीबोर्ड से चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। कैसे? सबसे पहले ऑल्ट का बटन आपको दबाना है। कौन सा ऑल्ट है जानते हैं ना? ये देख लीजिए, ये वाला बटन है, इसको दबाना है पहले, ठीक है। इसको दबाएंगे फिर इधर वाला की दबाना है। कौन सा की दबाना है बता रहा हूं, ऑल्ट में दबाया, ऑल्ट, ठीक। ये सारा एक्टिवेट हो गया। अब जहां पे मेरे को जाना है वो बटन दबाऊंगा, जैसे मेरे को यहां पे जाना है, ठीक है, दबा दिया मैं F, ठीक। अब मेरे को कहां पे जाना है, ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना था, ठीक है, तो मैं माउस ले गया तो गायब हो गया, ठीक है, तो P दबा दिया तो प्रिंट वाला खुल गया, ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे जैसे ये वाला विंडो चाहिए मेरे को, ठीक है, तो क्या करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा, फिर F दबाऊंगा, फिर P के बगल में दिख रहा है ना W, मैं माउस ले जाऊंगा तो हट जाएगा वो, ठीक है, W पे क्लिक किया, ए आ गया, ठीक है। अब P दबाऊंगा तो प्रिंट होगा, Q दबाऊंगा तो क्विक प्रिंट होगा, V दबाऊंगा तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये लगता है ना कि मैं गलती से इधर आ गया, मेरे को तो सेव एज वाले में जाना था, ठीक है, सेव एज वाले में जाना था, गलती से मैं प्रिंट में आ गया, तो क्या करूंगा, बैक जाऊंगा मैं। बैक कैसे जाऊंगा, एक बार एस्केप दबा दिया तो एक कदम पीछे आया। अब क्या करूंगा, सेव और सेव एज दो टो है, मेरे को सेव एज वाले में जाना है, ठीक है, तो ए दबाऊंगा तो सेव एज चलेगा, लेकिन एफ दबाऊंगा तो सेव एज के बाद किनारे जो खुलता है वो वाला खुलेगा, ठीक है। एफ मैं दबा दिया तो इसमें आ गया, ठीक है। अब जिस पे क्लिक, जो की दबाऊंगा वो वाला एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा आसान है ना। आगे चले, आज होम वाले को देख ले पूरा, चलिए जी देख लेते हैं होम वाले को। ये है कॉपी पेस्ट का सेक्शन, ठीक, इसको मैं बंद कर देता हूं। कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है जी, मैं कुछ भी यहां पे लिख दिया, ठीक। अब मुझे, मैं क्या चाहता हूं कि इसको कॉपी करूं, ठीक है, कॉपी इस ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और कंट्रोल सी दबाऊंगा तो ये हो जाएगा
कॉपी, ठीक है। रुकना दो सेकंड, सर का कॉल आ गया, ठीक है। सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी दबाऊंगा तो कॉपी हो जाएगा, ठीक। राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा तो भी हो जाएगा। अब दोबारा मेरे को पेस्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल वी दबाऊंगा तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने का एक और की है, ठीक है, वो क्या की है मैं बता देता हूँ आपको, लोग बहुत कम जानते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी जान जाएं। अब अभी मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा तो ये पेस्ट, कॉपी है तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये जो है कॉपी है अभी क्लिपबोर्ड में, ठीक है। कोई भी एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट आप कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाता है, ठीक। क्लिपबोर्ड वाले में ऑप्शन में क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्लिपबोर्ड से मेरे को सारा कंटेंट डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट क्लियर कर दिया। अब मैं पेस्ट करूंगा तो ये पेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लिपबोर्ड में जाता है पेस्ट होने के बाद, और क्लिपबोर्ड से मैं डिलीट कर दूंगा तो नहीं होगा कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या बटन है कॉपी पेस्ट करने का, तो पहला तो कंट्रोल सी है कॉपी का और कंट्रोल वी है पेस्ट करने का। दूसरा क्या है, शिफ्ट के साथ दबाइए इंसर्ट, वो हो जाएगा कॉपी, ठीक। एंटर दबाया, फिर मैं दबाता हूं एक मिनट, नहीं जी मैं गलत बताया, कंट्रोल इंसर्ट आपको दबाना होगा, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट दबाएंगे तो हो जाएगा कॉपी, और फिर शिफ्ट इंसर्ट दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करने का दूसरा शॉर्टकट बटन है, हर जगह पे कंट्रोल सी काम नहीं करता, ठीक है। जैसे टर्बो सी प्लस प्लस का आईडी आता है उसमें कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट काम करता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो जहां पे फेल हो जाएगा कंट्रोल सी भी, वहां पे कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट आपका काम करेगा, ठीक है, हर जगह ये काम करेगा, ठीक। आगे चलें, राइट क्लिक करके भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट सबको समझ में आ गया ना। अब उसके बाद है ये कैंची वाला ऑप्शन, ठीक है। ये कैंची क्या करता है जी, एक्टिवेट होगा, यहां से भी ये कॉपी है ये पेस्ट है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल भी एक्ट होता है, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ उसको, ठीक है। कट का क्या मतलब है, कट का मतलब है मूव कर देना, ठीक है। जैसे यहां पे कुछ लिखा, यहां पे कुछ लिखा, ठीक है। अब मेरे को याद आ रहा है कि ये लाइन जो यहां पे है, ठीक है, जो लाइन यहां पे है ये लाइन यहां नहीं होना चाहिए था, ये लाइन तो यहां पे नीचे होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे कंट्रोल एक्स दबाऊंगा, कट हो जाएगा, यहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक। कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको पकड़िए ऐसे, ठीक है, और माउस पे क्लिक करेंगे और फिर ऐसे ड्रैग करके जहां ले जाना चाहे ये चला जाएगा, ऐसे भी मूव हो सकता है। ये देखिए यहां पे आ गया, इसको यहां ले जाऊंगा तो यहां चला जाएगा, यहां पे ले जाऊंगा तो यहां चलेगा, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, वैसे ही ये यहां पे काम करेगा, ठीक। ये समझ में आ गया, ये मेनू को पढ़ेंगे थोड़े से देर में, ठीक है, थोड़े शॉर्टकट्स की और जान लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट कट समझ में आ गया, अब ये पेस्ट स्पेशल क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला है फॉर्मेट पॉइंटर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे तो, इसको मैं बोलता हूं अपने शब्दों में कॉपी स्पेशल, ठीक है। यहां पे आता हूं, यहां पे आता हूं, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगा, कलर वगैरह बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसका कलर बदल दूँ, बदल देता हूँ जी, कलर रेड कर दिया, ठीक है, बोल्ड है और रेड है, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक। अब ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको आऊंगा, इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, क्या हुआ, इसका फॉर्मेट इसमें चला गया, ठीक। कंट्रोल जेड मारता हूं मैं, ठीक है, फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक किया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक, इसका फॉर्मेट इसमें आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक किया, फिर इस पे आया, अब तो दोनों एक ही फॉर्मेट है तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब मतलब इसका ये है, यहां पे लिखता हूं ए बी सी,
बड़ा